बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस ब्लॉग पे। गाइस, हम लोगों ने कल वीडियो पोस्ट किया था उगना महादेव मंदिर, जो कि स्थित है भवानीपुर में, और वहाँ पे मैंने आपको जो तैयारी चल रही थी महाशिवरात्रि का, तो उसका मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से तैयारी चल रही थी। लेकिन आज के इस ब्लॉग में मैं वहाँ पे दिखाऊंगा आपको जो महाशिवरात्रि वहाँ पे हो रही है, जिस तरह से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है, जिस तरह से जितने भी लोग हैं वहाँ पे पहुँच रहे हैं पूजा करने के लिए, तो वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और आप लोगों ने जो है पिछली वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया है, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ गया है, और लेकिन सब्सक्राइबर जो है वो कम आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को चलते हैं, शुरू करते हैं, और आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं। यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं का भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गया है, सारे लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, और महाशिवरात्रि का पर्व है तो बहुत ही ज़्यादा लोग आएंगे। देखते हैं कि जो यहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और कितने लोगों का जो भीड़ है वहाँ पे इकट्ठा हो पाता है। पॉसिबल तो नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करना क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा ही होगी, तो हम लोग चलते हैं अभी, देखते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है, और अगर ज़्यादा रहेगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम वीडियो शूट कर सके आज। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो है भवानीपुर पहुँच चुके हैं, और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग चलते हैं अब आगे की तरफ, ठीक है। और यहाँ हम लोग आगे की तरफ देखेंगे कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ है। बाइक जो है वो आपको पीछे ही पार्क करना है, ठीक है, आप अंदर नहीं ला सकते हैं बाइक। तो आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, आगे और भी ज़्यादा होंगी, तो हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे जो है पास में ही है, यहाँ से साइड आपको दिख रहा होगा, तो आगे की तरफ आप देख सकते हैं।
जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से भीड़ लगी हुई है, जितने श्रद्धालु हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। और जो यहाँ पे मंदिर का जो सजावट किया गया वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और जो हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, हम नंदी जी का दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करने के बाद हम मंदिर के अंदर जो है वो प्रवेश करते। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखा देता हूँ। मंदिर के अंदर तो मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए, मंदिर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ जो है हम महादेव का दर्शन कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब आपने देखा कि मंदिर जो है वो कितनी अच्छी से सजावट की गई है, यहाँ पर सारा सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जितने भी लोग आते हैं वो उनको कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कितने लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होती है महाशिवरात्रि के दिन, बहुत ही बड़ा पर्व होता है ये एक तरफ से माने तो यहाँ पे। ओके, तो अब हम मैंने आपको पूरा चारों तरफ का दिखा दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर का जो सीन है वो कितना ज़्यादा भीड़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखिए आप, इतने सारे लोग जो है यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। तो एक काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मंदिर के राइट साइड में आगे की तरफ जाते हैं तो काली मैया का जो मंदिर है उसका जो सजावट है, उस दिन मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि ये लॉक था। तो इसीलिए आज जो है वो अच्छे से आपको दर्शन करवाता हूँ, अंदर जाके भी मैं जो है वो दर्शन करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अंदर जाने के बाद जो है यहाँ पर पूरा आप जो है यहाँ पे काली माँ का दर्शन कर सकते हैं और इसके बाद वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। ओके, तो मैं अंदर तक तो नहीं जा पाऊँगा लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हम निकलते हैं इसके अंदर से। ओके, मंदिर से हम लोग बाहर चलेंगे। इसके अगल बगल में भी और मंदिर सब है लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण जो है मैं पूरा नहीं ले सकता हूँ। अगर पूरा लूँगा तो बहुत ज़्यादा ही जो है वो लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग इसमें बने रहें। क्योंकि जो आगे जो है मैं जहाँ की जो बाराती आता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। आगे हमने शूट करा है जो 4 बजे शूट होगा वो। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद आगे निकलने के बाद आप मेले का जो है वो लुत्फ़ तो उठा सकते हैं। तो बहुत ही आनंद आता है यहाँ इस जगह पे आके कि हम पूजा जो है वो कर सकते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो हम भगवान से मांग सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा रहता है। जो ब्लॉग था वो हमने शूट कर लिया है, सारा कुछ जो है मैंने आपको दिखा दिया है। अब शाम में जो झांकी निकलता है, जो बाराती निकलता है, वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा जो कि 4 बजे निकलता है। तो 4 बजे मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा और उस चीज़ को भी आपको दिखाऊंगा और साथ में रात वाला भी अगर पॉसिबल होता तो रात का जो ब्लॉग होगा वो भी मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा और आगे ज़रूर देखिएगा।